स्वागत है दोस्तों आपका माय स्टॉप चैनल में। आज हम एलिजाबेथिन एज के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन के तीन इम्पॉर्टेंट वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को देखेंगे। उसमें से पहला जो वर्क है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, दूसरा है एल एलिग्रो और तीसरा जो वर्क है इनका एल पेंसरेसो। तो इसमें से एल एलिग्रो और एल पेंसरेसो नामक ये जो वर्क है ये जॉन मिल्टन ने दोनों वर्क साथ में ही लिखे थे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी के इंट्रोडक्शन और समरी को। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज मिल्टन्स पोएम विच सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। देखिए, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी नामक ये जो वर्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, यह एक प्रकार का पोएम है विच सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जो क्रिस्ट के जन्म को सेलिब्रेट किया गया है या मनाया गया है। मिल्टन राइट्स इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर 1629। देखिए, इस पोएम को जॉन मिल्टन ने क्रिसमस वाले दिन सुबह में, मतलब 25 दिसंबर 1629 में क्रिसमस वाले दिन सुबह के समय में लिखा है। इट इज़ द टाइम व्हेन मिल्टन इज 21 ईयर ओल्ड। यह उस समय जॉन मिल्टन केवल 21 साल के थे। इट हैज़ टू सेक्शन और इस वर्क को, इस पोएम को दो सेक्शन में उन्होंने लिखा था। पहला था इंट्रोडक्शन, 4 स्टेंजा जो 4 स्टेंजा का था और हर स्टेंजा 7 लाइन ईच, हर स्टेंजा जो थी वो 7 लाइन की थी एंड, और दूसरा था द हैम। ठीक है, इसमें 27 स्टेंजा ऑफ ईच 8 लाइन्स ईच। देखिए, इसमें 27 स्टेंजा लिखा गया था और हर स्टेंजा जो था वो 8 लाइन का था। दिस पोएम इज द प्रूफ ऑफ एडमंड स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस। देखिए, यह जो पोएम है इज द प्रूफ, परिणाम है ऑफ एडमंड स्पेंसर इन्फ्लुएंस ऑन हिम। देखिए, यह पोएम है जो परिणाम है एडमंड स्पेंसर का ऑन हिम, उन पर। ठीक है, मतलब जॉन मिल्टन पर एडमंड स्पेंसर का जो प्रभाव था उसका यह परिणाम है। इट हैज़ हाई थॉट। देखिए, इट हैज़ हाई थॉट, इसमें उच्च दर्जे के विचारों का व्याख्यान है, मिक्स्ड विद द ग्रैंडियर ऑफ कंसेप्शन, और इसमें कुलीन और संकल्पना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला और ख़त्म होता है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे एल एलिग्रो को, इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। एल एलिग्रो रिटेन ड्यूरिंग 1631 to 1634, पब्लिश्ड इन 1645। देखिए, जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एल एलिग्रो नामक ये जो वर्क है, ये उनका वर्क 1631 से लेके 1634 के अंतर्गत लिखा गया था और उसे पब्लिश 1645 में कराया गया था। ही इज मिल्टन्स पास्टोरल पोएम, और यह मिल्टन का एक पास्टोरल पोएम है। द टाइटल इज एन इटालियन वर्ड, और एल एलिग्रो नामक ये जो टाइटल है यह एक इटालियन वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स, जिसका मतलब होता है द हैप्पी मैन, एक खुश आदमी। दिस पोएम इज पेयर्ड विद एल पेंसरेसो। देखो, ये कविता जो है, मतलब एल एलिग्रो और एल पेंसरेसो नामक के जो दोनों वर्क है, यह जॉन मिल्टन ने साथ में लिखा था और प्रकाशित किया था। द मेलंकली मैन, एल पेंसरेसो का मतलब होता है दुखी आदमी। द पोएम, द पोएट एड्रेस वेरियस ग्रीक गॉड्स एंड यूजेस पर्सोनिफिकेशन। देखिए, द पोएट एड्रेसेस वेरियस ग्रीक गॉड, इसके माध्यम से कवि बहुत सारे ग्रीक के गॉड्स, भगवानों को एड्रेस करता है एंड यूजेस पर्सोनिफिकेशन, और वह इसमें मानवीकरण का इस्तेमाल करता है। ही आस्क मेलंकली टू गो टू द पीपुल हु लाइक द अटर डार्कनेस। देखिए, ही आस्क मेलंकली, वह दुखी
वह दुख से कहता है कि टू गो टू द पीपुल, कि वह उन लोगों के पास जाए हु लिव इन द अटर डार्कनेस, जो अंधकार में रहते हैं। देयर इज नो प्लेस ऑफ डार्कनेस इन स्प्रिंग, यहाँ बसंत के मौसम में डार्कनेस अंधेरा की कोई आवश्यकता नहीं। ही इनवोक यूफोसिन हु इज द गॉडेस ऑफ जॉय और मिर्थ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कवि जो है वो यूफोसिन का आवाहन करता है, हु इज द गॉडेस ऑफ जॉय और मिर्थ, जो जो इंजॉय खुशियों की देवी है। ठीक है, ही आस्क हर टू गिव हिम हैप्पीनेस, और वह उनसे कहता है कि वह उन्हें खुशी दे। द डे डॉन, देखिए द डे डॉन, डॉन मतलब होता है उषा काल की समय या गोधुली बेला जिसको हम कहते हैं, सूरज निकलने से पहले का जो समय है उसे हम डॉन कहते हैं। द सन राइजेस, सूरज निकलता है। पीपुल फील्स चीयरफुल, लोग बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं। एंड बिगेन दियर डे, और वे अपना दिन प्रारंभ करते हैं। द मॉर्निंग इज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, इसमें सुबह को बहुत ही सुंदरतापूर्वक ढंग से दर्शाया गया है। इट इज बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड जॉय, देखिए इट इज बिकम अ सिंबल ऑफ होप, यह एक आशा का प्रतीक है, मतलब इसमें जो सुबह है वह एक आशा का प्रतीक है और खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वर्क खत्म होता है, तो आइए अब हम उनके दूसरे वर्क एल्पेंस रेसो को पढ़ते हैं।